गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 8 के चैप्टर 7 के एमसीक्यू करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। उसकी वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन की सेंड की हुई है, अगर आपने ये सॉल्व कर ली तो आप आंसर की इससे मैच कर सकते हो। तो आज मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपने अपने आंसर मैच कर लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 345 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में है कि 345 में क्या सब्ट्रैक्ट करेगी ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको पहले सबसे पहले कि 20 तक क्यूब लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम 345 के नियर क्यूब देखेंगे तो 343 बनता है, तो इसका मतलब 345 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो उसमें भी यही है, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये फर्स्ट वाला ही अभी हमने किया कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट क्यूब बनता है। तो ये ऑप्शन भी फर्स्ट ऑप्शन में आएगा 343। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 392 टू गेट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसमें उन्होंने पूछा 392 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब नंबर बने। हम इसके प्राइम फैक्टर बना के देखेंगे 392 के, 2 पे जाएगा, 2 1 2, फिर 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 पे 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 पे 49, फिर 7, फिर 7, और ये हमारे पास 2 7 है और हमने हमारे पास 3 2 है, तो मुझे 1 7 और चाहिए तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन सकता है। तो इसका मतलब जो हमें नंबर चाहिए वो 7 है, जिससे मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे पास डी ऑप्शन में 7 है, तो 7 पे टिक कर देंगे डी ऑप्शन के ऊपर। ये 7 ऑप्शन आती है तो डी आंसर आ गया इसका 7। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2 1 2 9 6 मस्ट बी डिवाइडेड। उसको डिवाइड किससे करेंगे ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो इसको भी पहले प्राइम फैक्टर बना के देखेंगे, 2 1 2 9 6, 2 1 2 9 6, तो पहले 2 पे करेंगे, 2 1 2, फिर 0 लगेगी, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 पे 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 पे करेंगे, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे करेंगे 1 3 3 और 1, तो ये 11 पे जाएगा क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो ये 121 आ जाएगा, फिर 11 पे करेंगे, 11 आ जाएगा, फिर 11 पे करेंगे, तो ये 3 पूरे प्राइम फैक्टर में, तो ये भी 3 पूरे हैं लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। मतलब इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो 2 ऑप्शन हमारे पास, पहली है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आ जाएगी, इसमें हमारे पास नंबर है 2 जिसको इस पर डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब होल ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इसमें मैंने आपको बोला है कि 20 तक एटलीस्ट क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, तो इसमें से परफेक्ट क्यूब नंबर 216 है, 6 का क्यूब, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें हमने परफेक्ट क्यूब नंबर बताना है, तो अभी हमने फैक्टर्स किए थे पीछे 331 के, तो उसमें 311 आते हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि 3 3 के जो हमारे पास ट्रिपलेट बनने चाहिए तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगी, 7th के क्वेश्चन के बी ऑप्शन आएगी। उसके बाद 512,
का क्यूब रूट 512 क्यूब है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको क्यूब लर्न होना चाहिए 20 तक, और स्केयर भी आपको 30 तक एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। तो ये 8 का क्यूब है, 8 8 64, 8 512। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन दिया हुआ है 125 मल्टीप्लाई 64 का क्यूब रूट, 9th क्वेश्चन है। तो इसमें हमने कैसे करना है कि इसके फैक्टर बनाने, ये 5 का क्यूब है, 3 5 बनेंगे अंदर, और ये 4 का क्यूब है, 3 4 बनेंगे। तो एक 5 और एक 3 निकाल लेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा 5 और एक 4 निकाल लेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा इसका 20, 5 4 20। तो सी ऑप्शन के ऊपर हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन है 64/343। अब ये फ्रैक्शन के अंदर है और 64 4 का क्यूब है, यहाँ पे 4th रूट दिया हुआ है, यहाँ पे 4th रूट नहीं है, क्यूब रूट है, यहाँ पे भी 3 का साइन है। यहाँ पे क्यूब रूट है और 64 4 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। तो इसका ऑप्शन में हमारे पास 4/7 आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब रूट -512/729। 512 8 का क्यूब है और 729 जो है वो 9 का क्यूब है। तो इसके फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपने सॉल्व करें तो। 512 के भी फैक्टर्स 2 2 के प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, और 3 3 के ट्रिपलेट के में से एक एक पार्ट हमने निकालना है, और 729 के भी फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम फैक्टर, उसमें 3 3 के ट्रिपलेट में से एक एक नंबर निकालना है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 512 जो है 8 का क्यूब है और ये हमारे पास 9 का क्यूब है। तो माइनस लगी -8/9 आंसर आएगा, तो आंसर बी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद बाय विच लीस्ट नंबर 648 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसके फैक्टर्स बना के देख सकते हैं, 648 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 648 किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो 2 पे करेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 पे 2 1 2, 6 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे 81 आ जाएगा, फिर 3 पे 27 आ जाएगा, फिर 3 पे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे 1 आ जाएगा। तो ये 3 पेयर हमारे पास ट्रिपलेट में पूरे हैं, ये भी 3 ट्रिपलेट बनते हैं, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो हमें 2 3 और चाहिए। 2 3 मतलब अगर 2 3 और मिल जाए तो ये 3 3 के जो है ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो 2 3 का मतलब 3 × 3 9, तो 9 हमें और चाहिए। इसको नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो 9 ऑप्शन में सी में है, तो सी ऑप्शन के ऊपर हम टिक लगाएंगे। आगे द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 23। 23 का क्यूब करें तो उसका वंस डिजिट मीन्स स्टार्टिंग वाला जो डिजिट है, वंस 10 100, हम ऐसे लिखते नंबर, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो लास्ट में 7 आता है, 7 आता है मतलब वंस प्लेस पे 7 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद 1000 का क्यूब रूट, 1000 किसका क्यूब है, 10 का, तो हम सीधे ही लगा सकते हैं, 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, तो ये अगर फैक्टर बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, सबके फैक्टर बना के देखोगे और ट्रिपलेट की फॉर्म देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें हमें सीधा ही पता लगना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, 6 का क्यूब है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो हमने किए 15 क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर 7 के किए हैं। वीडियो देख के आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी इन क्वेश्चन का बारे में पता चल सके। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको हर एक नई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।